हेलो लर्नर्स, मैं हूँ गुलफ्शा परवीन और आप देख रहे हैं गुलसी स्टडी स्टडी विद गुलफ्शा। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज एंड इजी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे इसमें, किस तरह से आप इजीली परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैनल है, इस पर आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, GK एंड करंट अफेयर्स, टॉप 10 फैक्ट्स और सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल और MS Word 2019 का ट्यूटोरियल, ये सारी प्लेलिस्ट आपको करंटली रनिंग में चल रही हैं, जो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और वीडियोस को देख के रेट और रिव्यू कर दीजिएगा। आप वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिए आज ही सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आशु हैड 24 पेजेस टू राइट बाय द इवनिंग ही हैड कम्प्लीटेड 25% ऑफ हिज वर्क। तो हाउ मैनी पेजेस वर लेफ्ट, हमें ये बताना है कि आशु के पास 24 पेजेस थे लिखने के लिए। अगर उसने शाम तक 25% वर्क कम्प्लीट कर लिया तो उसको कितने पेजेस बच गए लिखने के लिए, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या है, गिवन टोटल नंबर ऑफ पेजेस आशु हैड टू राइट 24, कितने पेजेस उसको टोटली लिखने थे, 24 पेजेस लिखने थे। नंबर ऑफ पेजेस आशु कंप्लीटेड बाय द इवनिंग तक उसने कितना कर लिया, 25% उसने कवर कर लिया। अब अगर हम 25% निकालें 24 पेजेस का, तो कैसे निकालेंगे, 25 डिवाइड बाय 100, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड के, सेवन्थ स्टैंडर्ड के, उनकी क्लासेस में मोस्टली ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली स्कूल वाले बच्चों के लिए है। तो इस तरह से हमने इसका 25% निकाल लेंगे तो क्या होगा, 25 ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, 25 × 25 और 25 × 4 = 100। अब इस 4 से हम इसको कट कर देंगे डायरेक्ट, 4 × 6 = 24, तो हमारा बचा क्या, 1 × 6 बचा तो ये हो जाएगा हमारा, कितना आएगा आंसर, 6। अब यहाँ पे हमने किस तरह से किया है, देखिए 25 / 100 × 24, तो इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया यहाँ पे के 25 और 24 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और बाद में उसको 100 से डिवाइड कर दिया। 25 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा, 600 को 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 100 × 6 = 600 इस तरह से, तो आंसर हमारा 6 ही आना है। ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है, इसमें ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको कैंसिल करके कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज, रोहित ऑब्टेन 45 मार्क्स आउट ऑफ 80, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ही गेट। रोहित को 45 मार्क्स मिले हैं 80 में से, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें परसेंटेज निकालनी है डायरेक्टली, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए वही है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100, ठीक है, ये हमें करना है। तो सिंपली ये तो बहुत इजी है, जैसे हमने 45 को डिवाइड कर दिया 80 से और इनटू कर देंगे 100, ये 1010 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा ये 45/8, तो ये जाएगा 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, ठीक है, इस तरह से। तो ये बचेगा हमारा 45/4 × 5, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा 56.25। जब हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5 से 45 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इंटू 5 और डिवाइड बाय क्या आएगा, 4। जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 4 = 20 और 5 = 20 और 2 = 22, ठीक है,
इस तरह से। अब जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 और यहाँ पे 2 बचेगा, ये हो जाएगा 25। फिर से 4 6 जा 24, यहाँ पे 1 बचेगा पॉइंट लगा के, 0 लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। और फिर से 0 लगा के हमारा बचेगा 2, तो फिर से 0 लगा के हम करेंगे तो 4 5 जा 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 56.25 आंसर आ जाएगा जैसे यहाँ पे आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर विरमानी सेव्स 12% ऑफ हिज सैलरी इफ ही रिसीव्स आरएस 15,900 पर मंथ एज सैलरी, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। मतलब मिस्टर विरमानी 12% ऑफ हिज सैलरी सेव करते हैं, मतलब वो अपनी सैलरी में से 12% सेव करते हैं। अगर उनकी सैलरी 15,900 है तो उनका मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली खर्चा कितना हो रहा है? ठीक है, 15,900 में से वो 12% सेल कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो खर्चा कितना कर रहे हैं ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी इनकी है 15,900, तो इसका 12% हम कैलकुलेट कर लेंगे। 12% कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, 12 डिवाइड बाय, किसी भी नंबर का परसेंट निकालना हो तो 12 डिवाइड बाय 100 और इनटू टोटल 15,900। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, इन 20 से 20 कट हो जाएंगे और 12 की और 159 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 की और 159 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 908। कैसे, 12 9 जा 108, 8 आ जाएगा 10 कैरी, 12 5 जा 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, 12 1 जा 12, 7 कैरी था हमारा, हो गया 19। ठीक है, 908 आ गया। अब मिस्टर वरमानी मंथली एक्सपेंडिचर इक्वल टू सैलरी माइनस सेविंग। अब जो उनकी सैलरी थी उसमें से सेविंग हम माइनस कर देंगे जो हमने निकाली है अभी, तो 15,900 में से 908 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 13,992। तो वो अपनी सैलरी में से इतना खर्च कर रहे हैं और इतना सेव कर रहे हैं। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉयर विल हिज 3 सन्स आरएस 2,50,000 टू बी डिवाइडेड इनटू पोर्शंस 30% 45% एंड 25%, हाउ मच डिड ईच ऑफ देम इनहेरिट। तो क्या है कि एक किसी भी इंसान ने अपने तीन बेटों में जो है 2,50,000 की मनी को डिवाइड किया है, किस हिसाब से, 30% दिया एक को, 45% दिया एक को, 25% दिया एक को, तो हर एक को कितने कितने रुपए मिलेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट को कितना मिला था, टोटल मनी कितनी थी उसकी, ये टोटल है था, और फर्स्ट सन को कितना मिला, 30%। अब हमें इसका 30% कैलकुलेट करना है, तो 30% कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाय 100 एंड इनटू टोटल। तो टोटल कितना था, 2,05,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली 20 से 20 कट, ये हमारा बचेगा 2,500 इनटू 30। तो जब हम इसको 30 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 जा 75, और ये 0 3 2 0 इसमें से बची थी और 10 ये, तो हमारी 30 आ जाएंगी पीछे, इतना ही आया आंसर, 75,000। ठीक है, ये आ रहा 75,000, ये हमारा एक सन को मिला जिसको 30% मिला था, उसको कितना मिला, 75,000। देन आते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड सन्स इनहेरिटेंस 45%, तो इसको मिला 45%। अब 45% कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 डिवाइड बाय 100 इंटू 2,05,000। ठीक है, तो वही करेंगे हम, 20 से 20 कट कर देंगे, अब ये बची 20, तो
तो इन टू जीरो को ऐसे ही रहने देते हैं और 25 का और 45 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1,12,500, ठीक है, 1,12,500 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देन थर्ड सन इनहेरिटेंस इज 25% ऑफ 2,50,000, इसको मिला 25,000। तो 25,000 के लिए भी हमें यही करना है, टू जीरो से हम 20 कट कर देंगे और हमारा जो हो जाएगा 25 और 25 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 25 इसमें 5 आ जाएगा और 12 कैरी, 25 2 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, तो यह आगा हमारा 625 और ये हमारी 20 ये वाली और 20 हो जाएगा, ये 40 ऐसी कैसी आ गई क्योंकि यहाँ पे हमने कट नहीं किया, अगर कट कर देते तो ये 100 नहीं रहता और ये 20 नहीं रहती, तो हमारा ये आएगा आंसर, ठीक है। अब इसको अगर 100 से हम डिवाइड करके देख ले तब भी यही आने वाला है। राजधानी कॉलेज है 2400 स्टूडेंट्स, 40% ऑफ होम आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द कॉलेज। अगर राजधानी कॉलेज में 2400 बच्चे हैं उसमें से 40% कौन है, गर्ल्स हैं, तो हमें बॉयज निकालने हैं, बॉयज कितने होंगे। अब सिंपली 2400 के 40% निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 / 100 और इंटू 2400, ठीक है, सिंपली ये कर देना है। तो ये 20 से 20 कट हो गए, अब ये इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 की 40 से, तो 24 की जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 4 16 और 4 2 8 1 9, 96 हो जाएगा और 0 ऐसी आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 960 हमारा आंसर आ जाएगा। देन नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 2400, उसमें से गर्ल्स कितनी आई 960, तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा हमारा 1440 बॉयज। आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹15,000 नाजिमा स्पेंड्स ₹10,200, व्हाट परसेंट ऑफ हर इनकम डज शी सेव। गिवन नाजिमास टोटल इनकम, तो टोटल इनकम उसकी कितनी थी 15,000, उसमें से उसने स्पेंड कितने किए 10,200, तो हमें ये देखना है कि वो उसने सेविंग कितने की, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं एक्सपेंडिचर को, उसको जितना उसने खर्च किया 15,000 में से 10,000 और 200 हमने कर दिया, तो कितना बचेगा हमारा 4,800, ठीक है, 4,800 हमारा बचेगा। अब इसका परसेंट निकाल लेते हैं, तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4,800 डिवाइड बाय टोटल कितना था हमारा 15,000 इंटू 100, तो क्या करेंगे हम 20 से 20 कट, ठीक है, अब ये बचा हमारा 150। तो इसके लिए क्या करने वाले हम, सिंपली इसको करेंगे हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 40 40, ये था हमारा 4,800, ठीक है, 20 से 20 कट गई, तो कितना बचा 48/150, अब इसको 100 को और इसको हम कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 10 100, और इसको हम अगर 10 से करें तो 10 1 10 और 10 5 50, ठीक है, अब ये कितना बचा हमारा 15 और 10, अब 5 3 15
और 5 2 10। अब इसको 3 से कर देते हैं डायरेक्ट, 3 1 3 यहाँ से बचेगा 1 और ये हो जाएगा 18, 3 6 18। अब 16 को और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 32। तो ये हमारा 32% आ गया जो उसकी सेविंग थी वो। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिदाना सेव 28% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स एज 840 पर मंथ, फाइंड हिज मंथली इनकम। तो उनकी जो मंथली इनकम थी वो हमें पता नहीं है, लेकिन उनकी जो सेविंग थी वो उनकी इनकम की 28% थी और वो सेविंग अमाउंट था 840, ये हमें पता है इतना। तो हमें क्या करना है, उसकी टोटल इनकम को एक्स मान लेना है, ठीक है। एक्स मान लिया हमने, अब 28% एक्स का क्या है, 840 है, इक्वल टू में रख लिया हमने 840। अब इसका हम एक्स का 28% निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 28 डिवाइड बाई 100, ऐसे तो निकालते हैं परसेंट, 28 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, एक्स इसका टोटल मान आया क्योंकि हमने, और इक्वल टू में रख दिया हमने 840। अब क्या होगा कि ये एक्स तो इधर आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये 100 डिवाइड में से पहुंच जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। कैसे, यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे ये था हमारा 28 डिवाइड बाय 100 और इनटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू में क्या था 840, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो ये 100 जो है इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा हमारा 28 और ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 28 एक्स इक्वल टू 840 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा 840 इंटू 100, हो जाएगा हमारा 84,000, ठीक है, 20 के साथ में चल जाएंगे 84,000, 10 वहाँ पे पहले से ही है और 8120 ये वाले चल जाएंगे मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा हमारा 84,000। अब हमें x की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम इस x इक्वल टू इस 28 को इधर डिवाइड में ले लेंगे, ठीक है, 84,000 डिवाइड बाय 28। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 28 से कितनी बार हो जाएगा, 28 3 84 और ये 30 ऐसे कैसे बन जाएंगे, तो हमारा कितना आया 3,000 उसकी मंथली इनकम निकल कर आ गई। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस आज के, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और ये हमारी और जो सीरीज चल रही है जैसे बेसिक्स ऑफ मैथ्स की चल रही है ये, जिसमें अभी ये वीडियो थी, और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की हैं, सी लैंग्वेज का पूरा ट्यूटोरियल है, और एमएस वर्ड 2019 का ट्यूटोरियल है, बेसिक्स ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स, टॉप 10 फैक्ट्स लाइक टॉप 10 यूट्यूबर्स ऑफ इंडिया, टॉप लार्जेस्ट टॉप 10 रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, और प्राइम मिनिस्टर्स, ऑल प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जाके आप नीचे आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, खबरी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।